स्वच्छ भारत का इरादा कर लिया हमने, देश से अपने ये वादा कर लिया हमने, स्वच्छ भारत का इरादा कर लिया हमने, देश से अपने ये वादा। नमस्कार, आप देख रहे हैं स्वच्छता समाचार। विश्व साइकिल दिवस के मौके पर पर्यावरण संरक्षण और वायु प्रदूषण के खतरे को कम करने पर जोर दिया गया, तो दूसरी तरफ स्वच्छता अब लोगों की आदतों में धीरे धीरे शुमार होती जा रही है। ये सब कुछ आपको दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले सुर्खियां। विश्व साइकिल दिवस पर परिवहन के बदले साइकिल चलाने पर जोर। घर में पड़ा पुराना सामान भी सजावट की वस्तु हो सकता है। तो आपको बता दें कि 3 जून 2018 को पहला आधिकारिक विश्व साइकिल दिवस मनाया गया। जी हाँ, इसके बाद पूरी दुनिया में पर्यावरण संरक्षण और साइकिलिंग के फायदे पर चर्चा होनी शुरू हो गई। विश्व साइकिल दिवस के मौके पर हमारी खास रिपोर्ट देखिए। एक 150 साइकिल चालकों का जत्था, 7 किलोमीटर का लक्ष्य, तेज रफ्तार भरते ये साइकिल चालक पर्यावरण संरक्षण, वायु प्रदूषण के खतरे और मानव स्वास्थ्य की बेहतरी के लिए निकले हैं। दरअसल स्टेट बैंक ऑफ इंडिया दिल्ली के सर्किल ने हरी झंडी दिखाकर अपने बैंक के कर्मचारियों के साथ इस अभियान की शुरुआत की। साइकिलिस्ट के इस जत्थे में बैंक के अधिकारी संग कई अंतर्राष्ट्रीय साइकिलिस्ट भी मौजूद हैं। हमारे साथ 3 नेशनल लेवल के और 3 इंटरनेशनल लेवल के खिलाड़ी भी हैं जो भारत को रिप्रेजेंट करते हैं और उन्होंने काफ़ी मेडल भारत के लिए जीते हैं। साथ ही साथ जो साइकिलिंग के कोच है वो भी हैं, और यह प्रयास है हमारा कि लोगों को जागरूक बनाएं, उन्हें बताएं कि साइकिल जो है वह आपको डीजल और पेट्रोल की खपत को भी कम करने में आपको मदद करेगा। पेरिस के जलवायु सम्मेलन में भारत पूरी दुनिया के सामने कार्बन उत्सर्जन को कम करने और पर्यावरण संरक्षण का मसौदा रखा है। भारत के इस मसौदे से सहमति जताते हुए पूरी दुनिया ने माना कि प्रकृति की दोहन और जलवायु परिवर्तन के खतरे को कम करना बेहद जरूरी है। उसके बाद देश के कोने कोने में पर्यावरण को बचाने और वायु प्रदूषण से बचने और साइकिल सवारी की उपयोगिता सामने आने लगी। अगर पर्यावरण को बचाना है तो हमें प्लास्टिक से फ्री करना होगा, वृक्षारोपण करना होगा, बिजली उत्पादन के लिए सोलर जो हमारी ऊर्जा है, जो कि ये ऊर्जा कभी ख़त्म नहीं होने वाली है, उस पर अपने सारे इंस्टॉलेशंस को डालने होंगे और लोगों में जागरूकता फैलानी होगी, सफाई रखनी होगी, स्वच्छता। 200 साल से साइकिल की सवारी जारी है। पहले ये मजबूरी की सवारी थी, आजकल सेहत को बेहतर बनाने की सवारी बन गई है। खुद अंदाजा लगाएं कि जीवन के कीमती पल को आगे बढ़ाने, पैसे की बचत और परिवहन के बदले साइकिल की सवारी कितना फायदेमंद और सेहत के लिए लाभकारी है। धीरज कुमार की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। तो साइकिलिंग के जरिए प्रदूषण से बचाव भी और स्वास्थ्य भी। और अक्सर घर में पड़े पुराने सामान को हम बेकार समझकर फेंक देते हैं, लेकिन क्या कभी आपने सोचा है कि इसका कलात्मक उपयोग भी किया जा सकता है? घर को सजाने की खूबसूरत वस्तुएं भी तैयार की जा सकती हैं। जी हाँ, कुछ ऐसा ही किया है कुछ छात्रों ने। कबाड़ से जुगाड़ की इस खूबसूरत पहल ने खूबसूरती में 4 चांद लगा दिए हैं। स्वच्छता अभियान अब देश का सबसे बड़ा व्यवहार परिवर्तन का जन आंदोलन बन गया है, जिसमें छोटा बड़ा, औरत मर्द, हर कोई बढ़ चढ़कर आगे आ रहे हैं। ये है दिल्ली स्टूडेंट्स, दिल्ली कॉलेज ऑफ आर्ट्स के स्टूडेंट्स, जिन्होंने खराब पड़े न्यूज़पेपर्स पर खूबसूरत आकृतियां बनाकर इनको एक खूबसूरत रूप दे दिया है। घर में पड़ा पुराना सामान भी सजावट की वस्तु हो सकता है, ये देखने को मिला दिल्ली कॉलेज ऑफ आर्ट के कला कार्निवल में, जहां घर में पुराने पड़े सामान और रद्दी हो चुके अखबारों से दिल्ली कॉलेज ऑफ आर्ट के छात्रों ने नई कलात्मक चीजें बनाने की कोशिश की। यहां छात्रों ने कबाड़ हो चुके पुराने बर्तनों को बड़ी ही सुंदरता से नया स्वरूप प्रदान कर प्रदर्शित किया। ऐसे ही काफ़ी सारी चीज़ें प्लास्टिक्स को यूज़ कर सकते हैं हम लोग, जैसे यहाँ पे कुछ और पेंटिंग्स हैं जिनमें बबल रैप को यूज़ किया है, पुराने प्लाईवुड्स को यूज़ किया हुआ है। बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो वेस्ट हो सकती थी उनको हम लोग ऐसे यूज़ करते हैं। हमें घर में पड़े बेकार सामान को कलात्मक रूप देकर उससे सुंदर सजावट की वस्तुएं तैयार की गईं। पुराने अखबारों पर कलात्मकता से इन छात्रों ने खूबसूरत तस्वीरें उकेर कर उन्हें एक नया स्वरूप प्रदान किया। रंगों की ये कारीगरी देखते ही बनती है।
ये खूबसूरत पेंटिंग्स इस बात की परिचायक हैं कि इन छात्रों में गजब की प्रतिभा छुपी है। जैसे हम लोग रद्दी वगैरह होती है उसको हम लोग थोड़ा सा बेनिफिट पे हम लोग ब्यूटीफाई कर रहे हैं, उस चीज़ को हम लोग न्यूज़पेपर पे ऐड करके अपने एक्सप्रेशंस भी बता देते हैं एंड एक तरीके से स्वच्छता अभियान भी हो जाता है हमारा। इस आयोजन का उद्देश्य नवोदित कलाकारों के हुनर को उनकी बनाई कलाकृतियों के माध्यम से विधा के दिग्गजों के सामने और आम जनता के सामने लाना है, ताकि न केवल उनकी रचनाओं का मूल्यांकन हो बल्कि उन्हें सही मार्गदर्शन भी मिल सके। इसमें कला के उस पुराने स्वरूप को सामने लाने की कोशिश की गई है जो समय के साथ साथ अपनी चमक खोता जा रहा है। नई दिल्ली से शैला निगार की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और इसी के साथ हमारे आज के इस बुलेटिन में बस इतना ही। आप डीडी न्यूज की इस खास मुहिम से अगर जुड़ना चाहते हैं तो फिर देर किस बात की, आप अपना फोन उठाइए और स्वच्छ भारत से जुड़े अपने प्रयासों की वीडियो बनाकर हम तक भेज दीजिए। हम तक आप अपने संदेश भी भेज सकते हैं और हमारी इस खास मुहिम से फेसबुक पर डीडी न्यूज लाइव और ट्विटर हैंडल @DDNewsLive और @DDNewsHindi के जरिए जुड़ सकते हैं। फिलहाल हमारी पूरी टीम को दीजिए अनुमति, नमस्कार। इरादा कर लिया हमने देश से अपनी वादा।